इन पर किसने बात किया? गुरुदेव, एक जानवर ने जो शिवन्या का बात। ये विधि का कैसा विधान है? गुरुदेव, शिवन्या की जान जा रही है, इसकी सांसें वापस लाई है, ये कैसा गांव है गुरुदेव? ये खाओ बहुत गहरा है, ये किसी साधारण खंजर का वार नहीं, ये किसी असाधारण जहर का प्रहार है। उस खंजर पे जो जहर था वो ब्रह्मांड की किसी भी जहरीली नागिन के जहर से ज्यादा जहरीला था। उस जहर में बरसों की सिद्धियों का असर था और वो सिद्धियां केवल उसी के पास है, गुरु माँ के पास। उसी ने उस खंजर पर जहर चढ़ाया है। इस जहर का कोई उतार नहीं। शिवन्या का बचना मुश्किल लगता है। अगर गुरु माँ के पास सिद्धियों का जहर है तो हम भी शिव जी के गले का हार है। जिसने पाला है वही बचाएगा, वही ये जहर उतारेगा। जिसने अमृत मंथन में खुद विष पी के देवताओं का उद्धार किया, क्या वो अपने सबसे बड़े भक्तों का उद्धार नहीं करेंगे? गुरुदेव, हम सच्चे, सच परेशान हो सकता है लेकिन सच पराजित कभी नहीं हो सकता। सच कहा तुमने, उन्होंने विष पिया था, अमृत पिया था, मौत ली थी, जीवन दिया था, अब वही देंगे जीवन शिवन्या को। दुनिया का कोई भी जहर शिवजी के गले में बंधे जहर से अधिक जहरीला नहीं होता। अब नीलकंठी इसका नील हरेंगे, वही इसका जहर धारण करेंगे। करना होगा, पर उपचार के लिए शिवन्या को यहाँ 48 घंटे तक रहना पड़ेगा। मैं नहीं रुक सकती। पर इस हालत में जाओगी भी कैसे? वो सब तुम्हारी सच्चाई जान जाएंगे। रखवाला सामने बैठा है गुरुदेव, वही रास्ता दिखाएगा, वही ले जाएगा। जय भोलेनाथ। भैया किसे ढूंढ रहे हो? देखो शिवन्या नहीं दिखी बहुत देर से, पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत देर पहले दिखा था ऊपर जाते हुए, शायद अपने रूम में होगी। थैंक्स, मैं देखता हूँ। ओके। शिवन्या, जहर जहर को काटता है, सोख लो इसके शरीर से सारा जहर। ये शहर तो बहुत घातक है। ये जहर तो चढ़ता ही जा रहा है, इसे कैसे उतारूं मैं? ये ऐसे क्यों छू रहा है मुझे? सॉरी, वो मैंने तुम्हें जगा दिया। वो एक्चुअली मैंने बहुत डरावना सपना देखा, बहुत भयानक, कि तुम्हारी पीठ जख्मी है और बहुत खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। शिवन्या, तुम ठीक तो हो ना?
इसे यहाँ तक महसूस हो रहा है शिवन्या का दर्द? बोलो शिवन्या, तुम ठीक हो ना? खंजर नागिन को मारा था तुमने, जख्मी वो हुई है, तो जख्म मेरी पीठ पर कैसे? नागिन हूँ मैं, ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं नहीं, वो मैं बहुत डर गया था, पता नहीं ऐसा क्यों सपना आया मुझे कि तुम्हारी पीठ जख्मी और तुम्हारा खून। नागिन को मारोगे तो नागिन ही आएगी ना इंतकाम लेने। आज सपने में आई है, कल सच में आ गई तो? अब तुम डरा रही हो मुझे, डराना छोड़ो। तुम नागिन को खंजर मारना छोड़ो, सुना है किसी नाग नागिन की हत्या करो तो वो 100 साल बाद भी बदला लेने आते। मत करो ये सब, सो जाओ। अब तो मुझे एक ही जगह नींद आएगी। कहाँ? यहाँ। योगिराज शिवन्या जा रही है, कोई उपाय बताइए गुरुदेव। योगिराज, आप में तो साक्षात शिव बसते हैं, कोई उपाय नहीं? ओम शिव 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 सदाचारी मंगलकारी संकटहारी विषधारी। ओम शिव शिव शिव। केवल एक प्रहर का समय बचा है कटक का भैरव, इसके बाद शिवन्या का जीवन अशेष। कोई उपाय नहीं गुरुदेव, आपको तो शिव जी का वरदान है। कटका, मैं इंसान हूं भगवान नहीं। मैंने शिव जी से जो सिद्धियां प्राप्त की है उससे शिवन्या की मौत को सिर्फ 2 पहर के लिए टाल सकता। एक दिन के लिए मौत तो डाल दिया है कटका, अब एक ही है जो इसे जीवन दान दे सकता है, एक ही है जो इसका विषपान कर सकता है, जिसने अमृत मंथन में समुद्र का विष पिया। वो नीलकंठधारी, वो सर्पधारी, वो संकटहारी, उसके मंदिर जाना पड़ेगा। शिवन्या को उसी भोलेनाथ के मंदिर जाना पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शिवन्या की जान खतरे में है? उसे मेरी जरूरत है, मुझे मंदिर जाना ही होगा। रुक जाओ, इसी खिड़की से आती जाती है ना? कौन? नागिन। उसे तो खंजर से मार ही दिया था मैंने, पर पापा बता रहे हैं कि वो बच गए, अभी भी जिंदा है, खतरा टला नहीं। उसने एक बार तो तुम्हें डस दिया था, पर अब दोबारा उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। गुरुमा ने ये बेलपत्र दिए हैं घर के सारे खिड़की दरवाजे पर लगाने के लिए। अगर वो नागिन घर के अंदर है तो बाहर नहीं जा सकती, और अगर बाहर है तो अंदर नहीं आ सकती। हे शिवजी, आपके बेलपत्रों ने ही रास्ता रोक लिया, अब मैं इस घर से कैसे जाऊंगी बाहर? शिवन्या को मेरी जरूरत है, कैसे जाऊंगी? मैं लेकर जाऊंगा शिवन्या को गुरुदेव। नहीं कटका, तुम नहीं जाओगे, शिवन्या का पति उसके साथ जाएगा। जब एक लड़का और एक लड़की अग्नि के साथ फेरे लेते हैं तो वो 7 जन्मों के लिए जुड़ जाते हैं,
उनका भाग्य, उनका सौभाग्य, ग्रह नक्षत्र सब जुड़ जाते हैं। उनका भाग्य फल एक दूसरे के काम आता है। अगर एक पर मौत आती है तो दूसरे का भाग्य उसे बचाता है। अब इस समय शिवन्या के भाग्य में मौत लिख दी है उस गुरु माँ ने। शिवन्या को जीवन दान उसका पति ही दिला सकता है। उसका भाग अभी से वही बचा सकता है। इसका पति, इसका सिंदूर। जिस तरह सावित्री ने सत्यवान को जीवन दान दिलाया था, उसी तरह शिवन्या का सुहाग ही उसे सौभाग्यवती बना सकता है। पर गुरुदेव, ऋतिक उस गुफा वाले मंदिर में कैसे जा सकता है? अगर वो उस मंदिर में शिवन्या के साथ गया तो वो इसका सच जान जाएगा कि शिवन्या नागिन है। नहीं गुरुदेव, नहीं। अगर ऋतिक ने देख लिया कि मैं जख्मी हूँ तो वो ये भी जान जाएगा कि मैं एक नागिन हूँ, और ये भी जान जाएगा कि उसके घर में, उसके साथ में उसके पिता और उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने मेरे माँ बाबा की हत्या की थी। शिवन्या, यही एक उपाय है तुम्हारे पास जीवित रहने का, और यही शिव जी की इच्छा भी है। ऐसा है तो फिर मेरी मौत निश्चित है। ऋतिक नहीं आया तो भी मेरी मौत, वो आया तो भी मेरी मृत्यु। मैं लाऊंगा उसके पास। ऋतिक आएगा पर तुम्हें बचाने। पर कैसे आएगा गुरुदेव? मैं लाऊंगा उसे, उसे आना ही होगा। तुम्हारा भाग्य उससे जुड़ा है शिवन्या, ये शिव सहारा देंगे तुम्हें। देना ही होगा। इनके मंदिर में इनकी मणि की रक्षा करते हुए तुम्हारे माँ बाप मर गए। अब ये बनेंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे इंतकाम के लिए तुम्हें नया जीवन दान देंगे। देना ही होगा। वो कातिल जी नहीं सकते शिवन्या, और तुम इंतकाम लिए बिना मर नहीं सकती। शिव जी को तुम्हारी सहायता करनी ही होगी। जाओ शिवन्या, जाओ। ऋतिक को लाएंगे, ये ऋतिक को लाएंगे शिव जी ही तुम्हारे पास।